हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल में मोस्टली मैं जानकारी देता हूँ जो टेक्निकल बातें होती हैं, खासकर उनके लिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं या कहीं पर प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, फैकल्टीज हैं और जो फ्रीलांस काम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो देखिए, मैं ये कैनवा में कोई चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ कभी कभी, तो कैनवा में करता हूँ। ये canva.com करके बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डालते हो बाई ओ यू टी यू बी ई, तो ये देखिए हाँ यूट्यूब थंबल्स आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके ना आप बहुत सारे आपको ऐसे रेडीमेड कुछ मिलेंगे, उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसका जो है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और ये यूज़ कर सकते हो। तो अभी मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हो सके तो मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें ही मुझे ज़्यादा सिस्टमेटिक वे लग रहा है। तो मान लीजिए ये वाला थंबल्स मुझे बनाना है, तो ये कुछ चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे ऑलरेडी। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मान लीजिए मुझे कोई चीज़ चाहिए है, ये डिज़ाइन चाहिए है, या फिर कोई इमेजेस है जो मुझे नहीं चाहिए और मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। अभी मुझे कुछ चेंजेस है और मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो जो भी मैंने अभी अभी भी जो डिज़ाइन कर रहा हूँ इसको लेके कर रहा हूँ, तो मैंने ये टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया था। यहाँ पे आप चाहेंगे प्लस का साइन करेंगे, या यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए आ जाता है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट यू कैन चेंज। अगर बहुत सारी इसमें ऐसी डिज़ाइन रहती है जो कि आप चेंज नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि उसको वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बनाते हैं। तो थोड़ी सा मैं इंक्रीज करती हूँ, वो भी सिस्टी हुई स्टेडियो को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ टू यूज फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। मैंने ये लिया और आई वॉन्ट टू चेंज दिस कलर ऑनली। थोड़ी सी मेरे को लगता है टेक्निकली ये कलर होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने ले लिया है और ये मेरे को फर्स्ट टाइम तो दिख ही रहा है, बट एनीवे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आई विल फाइंड दिस विंडो, और अगर मुझे कुछ ऐसा चेंज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे कुछ डार्क विंडो चाहिए था, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और मैं देखता हूँ कि मैं ये डार्क वाला ले सकूँ। हाँ, तो ये मेरे को थोड़ी सा सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम को, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और आई कैन क्लिक किया, ये ले लिया मैंने। नाउ आई कैन इंक्रीज दिस, तो ये मुझे चलेगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम हाउ टू यूज फर्स्ट OBS। अभी यहाँ पे OBS का लोगो वगैरह कुछ डालना है मुझे, ताकि समझ में आए। ये आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको करना ये है कि इसमें इंसर्ट करना है। तो ये देखिए टेम्पलेट है, अपलोड भी है यहाँ पे, तो कुछ इमेजेस आपको अपलोड करनी तो यहाँ से कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर अपलोड कैसे करते हैं इमेजेस, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस, ये बोला तो यहाँ पे डिवाइस आ जाएगा, तो डिवाइस पे आप क्लिक करिए और मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए ये इमेजेस ले ली है, तो ये इमेज लेके आप ऐसे डाल सकते हो। तो मान लीजिए ये मैंने क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और इसको डबल क्लिक किया, या फिर मैंने ये इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये डाला, तो ये देखिए आ गया। तो बहुत ईजी है ये और अच्छे से हो जाता है, तो डोंट वरी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कैसे करना है मुझे कि ये हो जाए काम मेरा OBS स्टूडियो ये। तो चलो मैंने ये डबल क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये इमेज के अंदर पहुँच जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो थोड़ी सा मैं इमेज को सेट कर सकता हूँ। तो आप अगर शिफ्ट दबाओगे, यू कैन यूज़ द शिफ्ट, तो शिफ्ट बटन से आप ये थोड़ी सा इंक्रीज कर सकते हो। और इससे मैंने थोड़ी सा ये दिख तो नहीं रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच। तो मैंने ये थोड़ी सा ऐसे ले लिया और थोड़ी सा नीचे ले लिया, तो कैसे होगा ये। तो या तो आप चले जाइए और कोई सर्कल का लोगो ले लीजिए, तो मैं सो यू कैन फाइंड समथिंग ग्रेट। तो ये देखिए यहाँ से ये मिल गया, तो इसमें से कोई सा OBS का सर्कल वाला लोगो ले लीजिए आप, है ना, जिसमें OBS भी लिखा और वो भी है। कोई नहीं मिल रहा तो आप ये सैम्पल ही ले लीजिएगा। चलो देखते हैं ऐसा कुछ मिल जाता है जिसमें सर्कल वो चल जाता है, ये चल जाएगा मुझे शायद, है ना, ये इसलिए इसको यूज कर लेते हैं। तो आई कैन यूज डेस्कटॉप या नाउ, क्योंकि लोगो है और
सो अगेन आई कैन गो देयर। अब बोल दूसरी जगह, दूसरी चीज़ कैसे होती है अपलोड करने के लिए, देखिए ये मैंने ट्रैक किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे छोड़ दिया। तो एक एक तरीका ये भी होता है अपलोड करने का, मैं इसको सिलेक्ट किया है ना, मैंने ये देखिए ये सिलेक्ट किया, मैं इसको जस्ट ड्रैग कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इतने में। तो ये है डेवलप योर टेक्निकल, चलिए ये लिखे रहने देता। तो मेरे को चाहिए है कि मैं ये ही यूज करूँ, हाउ टू यूज फर्स्ट टाइम। अब मैं इसके बैकग्राउंड कुछ नहीं चेंज करना था हमें, OBS स्टूडियो हाउ टू यूज फर्स्ट टाइम, हाउ टू यूज फर्स्ट टाइम। तो मैं ना इसमें जो इसको भी माइनस कर क्योंकि अंडरस्टैंड है यार, देखिए ऐसे करके ना आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा, उसको कोई तरीका नहीं है। डाउनलोड तो डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए PNG वगैरह है, तो आपको PNG चाहिए है तो PNG ले लीजिए। आप यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो देखिए JPG भी है, तो इफ आई रिक्वायर JPG आई कैन डायरेक्टली क्लिक हियर एंड आई फाइंड फाइल फाइंड दिस JPG। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उसके लिए मैंने ये ली है, तो आप यहाँ पे कुछ भी जो भी है नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपलोड करूँगा डिलीट मार दूंगा इसको, समझ में आ रहा है आपके। तो ये पूरी चीज हो गई आपकी, तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसके सब्सक्रिप्शन हैं, सस्ते आते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। आप ये डेली बेसिस पे एक या दो फ्री भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर से मैं जाता हूँ होम पे, डेस्कटॉप पे, और जब भी आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी, क्या चलिए देखते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग ये देखिए, लास्ट में जो भी डिज़ाइनिंग आपने बनाई है ना वो यहाँ पे आ जाती है अपने आप, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो वट एवर यू विल क्रिएट यू विल फाइंड ऑल डिज़ाइनिंग हियर, सो दिस इज़ योर डिज़ाइन, दिस इज़ न्यू डिज़ाइन। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वीडियो टेम्पलेट है, और आप जब टेम्पलेट में जाओगे तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ टेम्पलेट्स हियर। तो सपोज इफ मेरे को यहाँ पे जाना तो सोशल मीडिया, वेब, SEO, ये कि यहाँ से आप फीचर्स पे जाओगे, यहाँ से टेम्पलेट में जाओगे तो यू कैन फाइंड। सपोज आई रिक्वायर द फ्लायर्स, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है समझ लिया करो, सॉरी। तो मैंने कि यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ये तो यू कैन ओपन हेयर। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मैनेजर हैं, ऑफिसर्स हैं, और आप यू नो बहुत अच्छा नॉलेज है आपको हर चीज़ का, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं डिज़ाइनिंग के, जस्ट आप चाहिए कोई भी चीज़ लीजिए और इसे जाके यूज़ दिस टेम्पलेट, और बस आप इसे जाके चेंज कर दीजिए। अगर आपको यूज़र पासवर्ड चाहिए हैं और आप सोचते हो कि किसका लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, आपने कैसे क्रिएट किया, फ्री में कैसे बना लिया, तो उसके लिए आप कमेंट्स करिए मैं बताऊंगा। तो ये देखिए दो पेजेस का है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन एडिट इट एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कोशिश करूंगा कि कैनवा का एक अलग से ही मैं चैनल बनाऊं जहां पे मैं इसकी सारी ट्यूटोरियल्स डाल दूं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ऐसा जरूर करूंगा, और आप जहां पे भी रहते हैं सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, हाथ बार बार धोते रहिए, अपने आसपास सफाई का जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।